संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें। और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा के संबंध में पार्टी छोड़ने और अलग राजनीति करने की बातें सामने मीडिया में आ रही है। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने आपत्ति जताते हुए साजिश बताया है। और जनता दल यूनाइटेड जो मेरी पार्टी है, दोनों ने मिलकर कई बार कुछ कार्यक्रमों को किया है। कई पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जारी हुआ, जिसमें लिखा गया कि उस संगठन के साथियों के साथ मिलकर कार्यक्रम पार्टी करेगी। तो ऐसा कहीं से कोई पार्टी और उस संगठन के बीच कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक संगठन है। और तब इन चीजों को इस रूप में प्रचारित करना, प्रसारित करना, यह व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचाने वाली बात है। इसलिए हाथ जोड़कर मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह की खबरें उस रूप में न प्रकाशित हो। नीतीश कुमार जी के साथ फिर से मैंने अपनी पुरानी पार्टी का विलय किया है। नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के आंदोलन को बल देने वाले सबसे बड़े नेता आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में हैं। सामाजिक न्याय लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, इस बात के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं नीतीश कुमार जी, और हम सब लोग उनके साथ इसलिए काम कर रहे हैं। और काम हमने महसूस किया था कि पार्टी जो हमारी चल रही थी उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है इस काम को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज की तारीख में देश में सबसे बड़े नेता हैं इस रूप में, तो उनके साथ मिलकर हम लोग करेंगे। तो हमारा फैसला उस वक्त हुआ, वह फैसला है, उस वक्त हमने किया, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई इधर उधर से कोई व्यक्ति अगर गलत अर्थ लगाने का प्रयास कर रहा हो तो इस पर मेरी घोर आपत्ति है। इसलिए हमने आज आप सब लोगों को कष्ट दिया कि इन चीजों को, क्योंकि देखिए मेरे जैसा आदमी स्वस्थ राजनीति की बात करता है, गंदी राजनीति की बात हम कभी नहीं करते हैं। और स्वस्थ राजनीति यही कहती है कि जो कमिटमेंट है उसके प्रति आप मुस्तैदी से रहिए, अगर कहीं कुछ लगता हो उस तरह की बात तो उस पर जरूर आपत्ति व्यक्त कीजिए, लेकिन उसको अलग तरीके से अर्थ निकालना या किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी। बनते हैं अनमिट निशान, देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।